आज की वीडियो में बात बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की करते हैं। प्रेम शुक्ला अक्सर अपने शब्दों से विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश करते हैं, पर विपक्षी नेता भी उन्हें करारा जवाब देने लगे हैं। आज तक पर एक डिबेट में प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ का जिक्र कर और अन्य कुछ नेताओं का जिक्र कर घेरने की कोशिश की, तो इसके जवाब में पवन खेड़ा ने प्रेम शुक्ला की क्लास लगा दी। शिबू सोरेन ने इस्तीफा किसके कहने से दिया था, कब दिया था, तारीख बताइए, उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ आकर झूठ मत बोला करिए। सबसे पहले नंबर दो, कौन सी महिला थी कमलनाथ जी के खिलाफ जिस पर डाटा लगा, नाम बताओ अभी। जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये बिलबिला उठते हैं इनके साथ। समस्या यही है। मैं UPA 1 UPA 2 की बात करता हूँ। नटवर सिंह आरोप लगा था, इस्तीफा दे दिया। शर्म आनी चाहिए प्रेम शुक्ला जी को कि यहाँ बैठकर कांग्रेस का नाम लेते हो। अरे 7-8 साल हो गए आपकी सरकार को, 7.5 साल। कमलनाथ पर मामला ही नहीं दर्ज किया है। TV9 भारतवर्ष के डिबेट में सपा नेता ने बीजेपी प्रवक्ता से कुछ सवाल किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिया। जब सपा के नेता उनके जवाब से संतुष्ट ना हुए तो उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को टोकना शुरू कर दिया। आप बगैर बताए हुए देश को चले जाते हैं, वहाँ जो है नवाज शरीफ के फंक्शन में आप जो है यहाँ से उनकी बर्थडे पर यहाँ से उनको विश करते हैं, और एक तरफ वो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। ये दो तरफा क्यों देश में चल रहा है? अब हो गए उनके अबू आजम की बात समझ। जवाब अबू आजम साहब, आप जवाब ले लें प्लीज, जवाब ले लें। देखिए, हम ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जरा से भी गुस्ताखी करता है रख लिया इन लोगों ने, तो क्या कर लेंगे। अरे ये क्या बात करेगा यार, जहर के अलावा कहीं बोले नहीं इसने। ये कभी आज तक भाईचारे का पैगाम ही नहीं देता यार, नफरत के अलावा ऐसे नफरत वालों से क्या बात करूंगा मैं। जब पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर हम बम बरसाते हैं, पाकिस्तान की बढ़ाई करने वहाँ जाए। अरे मैं तो मुर्दाबाद करता हूँ। तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश के बीजेपी के प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री जाते हैं नवाज शरीफ की दावत खाने। उल्लू भर पानी में डूब मर, दाऊद करते हो लाना, दाऊद को फांसी चाहते हो, लाते क्यों नहीं? ABP न्यूज पर हुई डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेम शुक्ला के सवालों का जवाब देना शुरू किया, आलोचना करनी शुरू की, तो प्रेम शुक्ला ने बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मेरी औकात नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कहा, दलित की कोई औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और बंगारू लक्ष्मण जी को अध्यक्ष बनाया, 1 लाख का भारतीय जनता पार्टी का दलित राष्ट्रपति है, और अल्टीमेटली बंगारू रामनाथ कोविंद दलित है बर्बाद कर दिया, और आपसे अधिक संघर्ष करके आए हैं रामनाथ कोविंद जी, अधिक संघर्ष करके आए योगी जी के सामने रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति है, और मोदी जी उनका नमस्कार नहीं लेते। शुक्ला जी ने कहां से आ गए ये बात किया कि दलित की औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं आपको, दलित की औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। उदित राज जी, शुक्ला जी, उदित राज जी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। आज तक की डिबेट में प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी को अपने शब्दों से घेरा, तो इसका जवाब सुप्रिया ने भी दिया, पर जब प्रेम शुक्ला उन्हें बार बार टोकने लगे तो सुप्रिया ने प्रेम शुक्ला को चुप करवा दिया। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है और बहुत अफसोस है कि एक प्रधानमंत्री की, जिसकी आतंकवाद के हत्थे चलते शहादत हुई, जो इस देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्या क्रांति लाया, उसके लिए यहां पर बैठा एक आदमी नरपिशाच का शब्द प्रयोग करता है और आप उस पर आपत्ति नहीं जताती है। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है ऐसे शब्दों के चयन पर। ये नीचता दिखाता है, गंदी विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है इस आदमी की। गाली वाली पहले गाली पे आई, बोलना चाहती हूं। गाली वाली बार-बार सवाल पूछ रहे हैं, चुप रहिए। गाली वाली भाई गाली ही दे सकती है। जौनपुर में बैठी हुई हूं, मुझे जितनी आवाज समझ में आई उस पर मैंने अपनी बातें आगे बढ़े। एक सेकंड सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब ये आदमी बैठकर मुझे गंदी गंदी गालियां देता है यहाँ पर। सारे देश को पता तो चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।